स्ट्राइक 7 न्यूज में हम आपको रोजाना बताते हैं कि बॉलीवुड हॉलीवुड से लेकर टीवी जगत में क्या कुछ हो रहा है और इस इंडस्ट्री से जुड़े सितारों ने क्या कुछ कहा है। कल इंडस्ट्री में आलिया भट्ट की मां बनने की खबर सामने आई थी और इस पर अभिनेत्री ने एक पोस्ट शेयर किया है। इसके अलावा कटरीना कैफ की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ का पोस्टर भी सामने आ गया है जो काफी मजेदार है। इसके अलावा सिनेमा जगत में क्या कुछ हो रहा है, आइए आपको आज की 10 बड़ी खबरों के जरिए बताते हैं। तो सबसे पहली खबर, कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जावेद अख्तर की याचिका की सुनवाई को लेकर अभिनेत्री को सोमवार को अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश होना था किंतु अभिनेत्री अदालत में पेश होने में विफल रही, जिसके बाद जावेद अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया कि कंगना रनौत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए क्योंकि वह कई मौकों पर अदालत में पेश नहीं हुई। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की भूल भुलैया 2 के बाद अब कटरीना कैफ, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और ईशान खट्टर की हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ रिलीज होने जा रही है। फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट ने अपनी आगामी फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। ये फिल्म 7 अक्टूबर 2022 को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। बता दें कि इसी दिन कंगना रनौत की फिल्म तेजस भी दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। बहुत से लोगों को फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद आया है तो कई लोगों ने इसको बकवास कहा है। करीब एक हफ्ते पहले रिलीज हुए इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक भाई अपनी बहनों की शादी के लिए जद्दोजहद करता है, इसके लिए वह अपनी शादी तक में देरी कर जाता है। फिल्म को लेकर भी लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं। ट्रेलर देखने के बाद लोगों का कहना है कि काफी दिनों बाद अक्षय कुमार की एक धूम मचाने वाली फिल्म आ रही है। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार कपल हैं, जो इन दोनों पेरिस में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। 26 जून को अर्जुन कपूर ने अपना 37वां जन्मदिन पेरिस में ही अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा के साथ मनाया। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। वहीं अब अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें देखा जा सकता है कि मलाइका अरोड़ा अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के कपड़े पहनकर पेरिस के सड़कों पर घूम रही हैं। अपने अतरंगी ड्रेसिंग सेंस की वजह से उर्फी जावेद लगभग हर दिन सुर्खियों में बनी रहती है। फैंस को भी उनका यह अंदाज काफी पसंद है, तभी तो सोशल मीडिया पर शेयर करते ही उनकी फोटोज और वीडियोस पर हर दिन लाखों लाइक्स आते हैं। हाल ही में उर्फी ने अपने फैन फॉलोइंग की बदौलत कई बड़े बॉलीवुड एक्ट्रेस को लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ दिया। दरअसल उर्फी उन दिग्गज एशियन की लिस्ट में शामिल हो गई हैं जिन्हें 2022 में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। कभी रास्ते में किसी दोस्त से अचानक मुलाकात हो जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, ऐसा ही हुआ बॉलीवुड के दो दिग्गजों के साथ। हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की। दरअसल जब अमिताभ बच्चन कार से निकल रहे थे तो उनकी आमिर खान से मुलाकात हो गई। इस मुलाकात के बाद दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अमिताभ ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर फैंस संग साझा की है। अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर शेयर की है जो खूब वायरल हो रही है। फोटो में अमिताभ और आमिर एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं। तस्वीर में दोनों अभिनेताओं के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है।